नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे तीनों सेना प्रमुख, कारगिल दिवस पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया खास वीडियो, बोले साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। श्रीपेय को लेकर भड़का भारत, कहा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अवैध, भारत को मंजूर नहीं तीसरे पक्ष को न्योता। SSC स्कैम में पार्थ चटर्जी को अस्पताल में नहीं थी भर्ती होने की जरूरत, एम से लौटते ही ईडी दफ्तर ले गए अधिकारी। मानसून सत्र में राज्यसभा की 11 विपक्षी सांसद सस्पेंड, वेल में प्रवेश करने पर हुई कार्रवाई। SCO के विदेश मंत्री सम्मेलन में पहली बार आमने सामने होंगे जयशंकर, भूटो और वांग, बातचीत होने के आसार। कारगिल विजय दिवस पर जनरल VP मलिक ने बताया कैसे सलवार कमीज में आई थी पाक सेना। ईडी दफ्तर से बाहर निकली सोनिया गांधी, लंच के बाद दोबारा होगी पूछताछ। फ्रांस के क्रिकेटर ने T20 में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 61 बॉल में जड़े 109 रन। गुजरात में जहरीली शराब निकल गई 28 जिंदगियां, शराबबंदी के बीच मौत के आंकड़ों से हाहाकार। वहीं आशीष कुमार चौहान ने BSE चीफ का पद छोड़ा, NSE ज्वाइन करेंगे। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने दिया इस्तीफा, CM भगवंत मान को भेजा पत्र। रणवीर के फोटोशूट के विरोध में इंदौर में प्रदर्शन, नेकी की दीवार पर जुटाए कपड़े। सब रजिस्ट्रार के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज करने के लिए मिली LG की मंजूरी, MCD के 6 अधिकारियों पर भी गिरी गाज। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक की उम्मीदों को झटका, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर। लखीमपुर खीरी हिंसा, आशीष मिश्र को बड़ा झटका, लखनऊ कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। रणवीर सिंह को बोल्ड फोटोशूट कराना पड़ा भारी, गिरफ्तारी की लटकी तलवार। पाकिस्तान के उपकप्तान शादाब खान का अहंकार, कहा वर्ल्ड कप में भारत को हरा चुके अब खतरा नहीं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू, अंबानी और अडानी की कंपनियां आमने सामने। बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक लुटका, निफ्टी 16,600 के नीचे। सरकार की नीतियों की वजह से हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इस साल 8% GDP संभव, अडानी का दावा। कश्मीर में वर्ष 2017 से अब तक 28 प्रवासी मजदूरों की मौत, गृह राज्य मंत्री ने दी जानकारी। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कोल डाइवर्ट करने का लगाया आरोप। गुजरात में आबकारी नीति पर घिरे केजरीवाल को मिला मुद्दा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे CM। उद्धव ठाकरे का जिंदे पर वार, शिवसेना लहराती तलवार है, म्यान में रखोगे तो जंग लग जाएगी। गुजरात इलेक्शन के तहत सोमनाथ में दिखा केजरीवाल का नया रूप, सियासी सवाल पर जोड़े हाथ। मुफ्त के वादे करने पर खत्म हो मान्यता, मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अहम निर्देश। उद्धव कुट की याचिका पर 1 अगस्त को SC में सुनवाई, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को लिखा खत, आपके साथ काम करना सौभाग्य की बात, PM का पत्र कोविंद के दिल को छू गया। झारखंड में झामुमो और भाजपा में ठनी, एक दूसरे के विधायकों की बगावत का दावा।
वहीं चुनाव हारने के बाद फिर से राजनीति की पारी शुरू करेंगे सिन्हा, खुद दिया ये जवाब। हज टूर ऑपरेटरों को जीएसटी से छूट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। वहीं कारगिल युद्ध के 23 साल बाद भी आज भी जिंदा मिल रहे बम और कारतूस। देश में नए संक्रमितों के साथ ही सक्रिय मरीज भी घटे, 36 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई मौत। मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा मामलों में पिछले वर्ष 500% की बढ़ोतरी, एक दशक में सबसे ज्यादा मामले। लोकसभा में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 8.3% घटा, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। एसएससी स्कैम अर्पिता के घर से ईडी को मिली काली डायरी, सामने आ सकते हैं टीएमसी के कई शीर्ष नेताओं के नाम। मिजोरम में भाजपा विधायक को 1 साल की जेल, मेघालय में वैशाल्य चलाने का आरोपी भाजपा नेता फरार। भारत बांग्लादेश के बीच तीसरी काउंसलर वार्ता, मछुआरों की जल्द रिहाई पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी का बयान, कारगिल में शहीद होने वाले जवानों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। नोएडा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया कांवड़ियों का स्वागत, सांप्रदायिक सौहार्द की देश भर में हो रही चर्चा। उत्तराखंड में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 8 छात्र और 1 शिक्षक के कोरोना संक्रमित, फिर से मामले बढ़ने की आशंका। कारगिल विजय दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीरांगनाओं को किया सम्मानित। चुनावी साल में गांव चली हिमाचल सरकार, 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइनें लगाने की तैयारी। हिमाचल में चीन की कंपनी ने भरा सामरिक महत्व के एनएच का टेंडर, एनएचएआई ने केंद्र से मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में बिजली ढांचे में सुधार के लिए 5,500 करोड़ मंजूर, चोरी पर लगेगी लगाम। आरक्षित संवर्ग के कर्मचारियों की तबादला नीति के लिए बने कमेटी, 3,000 कर्मियों को राहत, टारगेट किलिंग के तहत लिया गया फैसला। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी शार्प शूटर दीपक मुंडी गिरफ्तार, एजीटीएफ और एसटीएफ को मिली सफलता। राजस्थान में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का भाई गिरफ्तार, परीक्षा देने आया डमी कैंडिडेट भी पकड़ाया। वहीं जोधपुर में कारें बहाकर ले गई बारिश, कोटा भीलवाड़ा में भी बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों व नक्सलियों में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी बुद्धराम ढेर। निलंबित आईएएस पूजा सिंगल को नहीं मिली जमानत, अब 3 अगस्त को होगी असली सुनवाई। झारखंड में कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ आए झारखंड के वकील, बोले इस कदम से न्याय से वंचित हो जाएंगे गरीब। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी, शिवपुरी में मड़ीखेड़ा डैम के 2 गेट खोले गए। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।